Good morning, guys. After 8 long months at home, it is finally time for me to ride again. I'm so excited, and I just can't wait to hit the roads again. Because of the night curfew in Maharashtra, I couldn't get an early start. घर से निकलते निकलते मुझे 7:15 के करीब हो गया था and because of that, I had to ride through peak morning traffic in Navi Mumbai and it took me an entire 1.5 hours to reach Kalamboli. So all the enthusiasm and motivation I had at the start of the ride started to leak. But luckily, I met these two bulleteers on the way who were speeding towards Lonavala and I started chasing them in order to make up for lost time. And here we are at Khandala. No matter how many times we have ridden to Lonavala, the feeling of tracing these curves early in the morning is just unmatchable, yaar. Lonavala yahan se kafi dur nahi hai, but we won't be halting at Lonavala today because we have a super long journey ahead of us and the plan is to cover as much distance as possible in the first stretch itself without a break. So Hinjewadi tak road kafi acha rahega. To plan yahi hai ki Hinjewadi jitne kam time mein pahunch sake utne kam time mein pahunche and from Hinjewadi we will take a left, then we will navigate through the busy traffic in Pune city till we find our highway to Solapur. और सोलापुर से हम जाएंगे ऑल द वे टू हैदराबाद. सो या गाइज, सो दैट इज़ वेयर वी आर हेडेड टुडे. आई एम सॉरी आई डिडंट रिवील द डेस्टिनेशन बिफोर हैंड. सो वी आर राइडिंग ऑल द वे टू हैदराबाद. हैदराबाद में मेरा फ्रेंड रहता है, सो वी विल गो टू हैदराबाद, मीट माई फ्रेंड, स्टे देयर फॉर अ कपल ऑफ नाइट्स एंड देन वी विल राइड टुगेदर ऑन आर मच अवेटेड साउथ इंडिया ट्रिप. सो एक्साइटेड यार. So guys, this is what happens if you don't leave home early during a ride. Normally when I ride this stretch, ये road इतना खाली रहता है and I rip the stretch at high speeds. But today बस आधा घंटे का देरी कर दिया और इतनी सारी गाड़ियाँ हैं road पे कि speed करने का मौका ही नहीं मिल रहा. Every time I try to speed, एक आध vehicle आ जाता है front में और फिर से slow down करना पड़ता है. But I'm hoping कि Lonavala के बाद थोड़ा traffic कम हो जाएगी और हिंजेवाड़ी तक रास्ता क्लियर मिलेगा. अरे यार, ना आगे जाएगा या जाने देगा. मुझे ऐसे लोगों पे बहुत गुस्सा आता है. आई मीन एटलीस्ट मेरा लगेज देख के तो रहम किया करो. जब भी मैं ओवरटेक करने की कोशिश करूँ तो साला साइड में आ जाता है. चलो निकाल दिया. ये पॉइंट पे मुझे हमेशा कन्फ्यूजन होता था
नाउ दैट आई हैव रिडन दिस स्ट्रेच अ लॉट ऑफ टाइम्स, अभी तो ठीक है. सो रोमांटिक. मुझे किसी के पीछे रहने की आदत ही नहीं है. चल पीछे. वाओ, जस्ट लुक एट दैट व्यू. डोंट रिमेंबर द नंबर ऑफ टाइम्स आई हैव सीन दैट, बट इट स्टिल लुक्स सो ब्यूटिफुल. सो गाइज, वी आर समवेयर नियर कामशेत एंड आई हैव अ टेस्ट राइड व्हीकल इन फ्रंट ऑफ मी. सो फ्रॉम द लुक्स ऑफ इट, इट लुक्स लाइक अ टाटा टियागो एंड आई हैव बीन ट्राइंग टू ओवरटेक इट जस्ट टू गेट अ क्लियर व्यू ऑफ द कार, बट द गाइज इन द कार हैव बीन ड्राइविंग इट सो फास्ट, मुझे देखना ही नहीं दे रहा है गाड़ी. बट उसका रियर व्यू देख के तो लग रहा है कि टाटा टियागो है. अरे देखने ही नहीं देगा तो खरीदेगा कैसे? सो फाइनली आफ्टर एन इटर्निटी इन पूनास ट्रैफिक, द GPS हैज मैनेज्ड टू ब्रिंग मी ऑन टू द ब्यूटिफुल पूना सोलापुर हाईवे. बहुत हैप्पी लग रहा है फाइनली हाईवे मिलके, और हाईवे इतना सुसाट है कि आराम से सोलापुर पहुंच सकता है ये रोड पे. एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट आई एम यूजिंग माई GPS. सो आई एम एक्चुअली यूजिंग माई रेगुलर मोबाइल फ़ोन वाला हेडसेट्स, इन ईयर हेडसेट्स इंसर्टेड इन माई हेलमेट स्पीकर पॉकेट्स एंड दे आर वर्किंग जस्ट फाइन. वाओ, फाइनली गॉट टू सी अ वाटर बॉडी. आई मीन दिस हाईवे हैज़ बीन सो ड्राई, सो बैरन. वाटर बॉडी दिख के बहुत अच्छा लग रहा है. सो गाइज, टाइम इज 6:30 एंड वी आर एट ओमेगा राइट नाउ. इट इज़ गेटिंग वेरी डार्क एंड मुझे बहुत नींद आ रही है, बट वी स्टिल हैव 230 किलोमीटर्स टू गो फॉर हैदराबाद. सो गाइज, वी आर एट सदाशिव पेट राइट नाउ. वी हैव अनदर 75 किलोमीटर्स टू गो फॉर हैदराबाद. वी वर डूइंग गुड स्पीड अंटिल सोलापुर, बट वहाँ पे थोड़ा टाइम पास हुआ मेरा हाइड्रेशन बैक को लेके. बट द मेजर थिंग इज़ दैट ये राइड शुरू करने से पहले आई डिडंट गेट इनफ स्लीप. आई जस्ट स्लेप्ट फॉर जस्ट वन आवर बिफोर स्टार्टिंग दिस राइड. अब पूरा टायर्डनेस फील हो रहा था. आई मीन एवरी टाइम आई ब्लिंक माई आईज आई वॉज फॉलोइंग स्लीप. चार पाँच बार तो मैं टैंकर के नीचे गिरते गिरते बच गया. फाइनली आई डिसाइडेड आई विल हैव सम टी. अभी चाय पीने के बाद थोड़ा आराम लग रहा है. आई जस्ट होप दैट आई विल रीच हैदराबाद सिटी सेफली टुडे. एंड द वेरी फर्स्ट थिंग दैट आई एम गोना डू आफ्टर रीचिंग द सिटी, आई विल जस्ट गो टू बेड एंड गेट अ गुड नाइट्स स्लीप. सो लुक्स लाइक वी आर एंटरिंग हैदराबाद सिटी नाउ. आई एम सो टायर्ड दैट आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द GPS टू टेल मी टू टेक द लेफ्ट. अभी बहुत जल्द एक लेफ़्ट टर्न आएगा जहाँ से हम हाईवे से डिविएट होगा, और वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है मेरा फ्रेंड का घर. सो टायर्ड है, बट हैव टू से आई एम वेयरिंग एन एक्सोर वेनमस हेलमेट राइट नाउ. इसका नाइट टाइम विजिबिलिटी काफ़ी अच्छा है. आई मीन वाइजर डाउन करके भी विजिबिलिटी बहुत अच्छा है. आई यूज्ड टू बी यूजिंग अ वेगा जो दिन में अच्छा चलता था, बट रात में उसका वाइजर ऊपर करके चलाना पड़ता था बिकॉज ऑफ ऑल द स्कैटरिंग. बट नो सच इश्यूज विद वेनमस. सो लुक्स लाइक अ वेरी गुड परचेस. सो फाइनली हमने हाईवे से लेफ्ट ले लिया है एंड आई एम जस्ट ब्लाइंडली फॉलोइंग द GPS to take me to my friend's house. एक छोटू सा टू लेन रोड है, लुक्स लाइक अ मेन रोड. यही कहीं पर रहता है मेरा फ्रेंड. ऑल आई कैन थिंक अबाउट इज जस्ट ड्रॉप इन बेड एंड क्रैश. पूरी तरह से थक गया हूँ. आई एम जस्ट विशिंग दैट माई फ्रेंड इज वेटिंग देयर.
अरे भाई, कब से चला रहा हूँ, खत्म ही नहीं हो रहा। चलाता जा रहा हूँ, चलाता जा रहा हूँ, डेस्टिनेशन आ ही नहीं रहा। जीपीएस के हिसाब से वी आर ऑलरेडी एट आवर डेस्टिनेशन, बट जब भी डेस्टिनेशन पहुंच जाऊं तब फिर से रीसेट हो जाता है। एंड नाउ इट इज सेइंग दैट माय डेस्टिनेशन इज़ अनदर 300 मीटर्स अवे। लगता है कहीं रुक के फ़ोन करना ही बेटर रहेगा। മലയാളിയാണോ? അത് ശരി, ഞാൻ കുറെ നേരം ഇവിടെ വട്ടം കറങ്ങണം. നാട് തൃശ്ശൂർ. മാവേലിക്കര. ഫൈനലി ടൈം ടു പാർക്ക് ദി എലിഫന്റ്. समथिंग दैट आई हेट द मोस्ट, पूरा हैवी सैडल बैग्स तोड़ना चढ़ाना, ओ माई गॉड, जस्ट हेट इट। लेफ्ट guys, so after a 731 kilometer ride from Mumbai, I'm finally here. I am in Hyderabad right now with my old friend. He is Vinay. So we worked together, we were colleagues and very good buddies back in my previous company, and he was the one who introduced me to riding. So I'm very very grateful. It was Vinay and another friend, he's in Pune right now. These were the guys who used to like ride a lot around those days and share their amazing adventures and stories, which is what got me inspired to take up motorcycling. And he is the one who reignited the passion that had died in me. So tomorrow, no riding tomorrow, because 731 kilometers, it nearly broke my back. So I'll just walk around Hyderabad, right? And that's why he's going to have paneer. Yeah, look at the warm welcome I just got. So we have piping hot kadai paneer ghee with tandoori roti. Amazing. So it's 3 a.m. already. We had lot of things to catch up on, lot of conversations. So time to fill up our bellies. Yeah, and get some sleep. Yeah. Chalo, see you then.